नमस्कार दोस्तों, मटेरियल नॉलेज MKBTK में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेन टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी के रिलेटेड है। वो जो है कि सेफ्टी हेलमेट जो अपन यूज़ करते हैं, परचेज करते हैं, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, डायरेक्ट अपन यूज़ कर लेते हैं सेफ्टी हेलमेट, उसकी एक्सपायरी डेट कैसे चेक करें, मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे करें, वो कैसे अपने सेफ्टी को इम्पैक्ट कर सकती है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा। सही जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि सही जानकारी होगी तो कड़ी सुरक्षा होगी। तो दोस्तों, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सेफ्टी हेलमेट जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है इंडस्ट्री के अंदर। सेफ्टी हेलमेट जो होता है वो एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है हेड इंजरी की रिगार्डिंग। यानी कभी भी शरीर के अंदर जो आपकी इंजरी होगी उसको ये सेफ्टी हेलमेट बचाता है। इसलिए क्वालिटी वाला सेफ्टी हेलमेट ही हमेशा यूज़ करना चाहिए, ISI मार्क वाले हेलमेट हमेशा यूज़ करना चाहिए। सेफ्टी हेलमेट तभी उपयोग में है जब आप उसको सही ढंग से पहनोगे और उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट की रिगार्डिंग, उसकी एक्सपायरी डेट की रिगार्डिंग। सेफ्टी हेलमेट अपन को हेड इंजरी से बचाता है, कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, गिर जाते हैं कर जाते हैं, उससे अपन को हेड को प्रोटेक्ट करता है। ये अपन आप धूप में अगर काम करते हो, इंडस्ट्री में काम करते हो, साइट पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको सन से भी प्रोटेक्ट करता है। ये एम्प्लॉय की विजिबिलिटी को बताता है। यानी हर सेफ्टी का अलग अलग सेफ्टी हेलमेट अलग अलग कलर के होते हैं, वाइट हेलमेट, येलो हेलमेट, रेड हेलमेट, ग्रीन, इस तरह से सबका अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे वाइट हेलमेट होते हैं ऑफिस एम्प्लॉयज इंजीनियर के लिए यूज होते हैं, येलो हेलमेट कॉन्ट्रैक्टर के लिए यूज आते हैं, इस तरह से सबका अलग अलग यूज होता है। इंक्रीज एम्प्लॉय विजिबिलिटी बताया है, एम्प्लॉय इंप्रूव चांस ऑफ सर्वाइवल ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स, यानी एक्सीडेंट के रिगार्डिंग जो कुछ दुर्घटना होती है उससे अपन को ये बचाता है। अब बात करते हैं सेफ्टी हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग डेट को अपन कैसे पहचाने, तो इसके मैं दो पैटर्न बताऊंगा जिसके द्वारा आप मैन्युफैक्चरिंग डेट को पहचान सकते हैं। वो है पहला पैटर्न क्लॉक के द्वारा। जी हाँ, क्लॉक, ये आपने देखा होगा सेफ्टी हेलमेट इस तरह से होता है। इस सेफ्टी हेलमेट में बैक साइड में यहाँ पे जो मैंने जगह मार्किंग करी है वहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह की क्लॉक टाइप की एक राउंड सर्कल होता है। उस क्लॉक के सेंटर में एक सर्कल और होता है और वहाँ पे एक ऐसा एरो मार्क होता है। तो जो जो साइड वाला जो सर्कल होता है 1, 2, 3, 4 से लेके 12 तक जो मेंशन होता है वो तो बताता है अपना मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरर, यानी किस मंथ को ये हेलमेट मैन्युफैक्चर किया गया है। और जो सेंटर को जो है वो होता है वो बताता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी किस ईयर को वो मैन्युफैक्चर किया गया है। और ये बीच वाली जो लाइन है, जैसे ये मैंने एरो मार्क कर रखा है, वो दर्शा रही है 12 की तरफ, यानी 12 मींस दिसंबर और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 23 मींस 2023। यानी ये हेलमेट जो है दिसंबर 2023 को मैन्युफैक्चर किया गया। अगर अगर यही ये मार्किंग इस तरफ होती, इसकी तरफ, तो ये हेलमेट अक्टूबर 2023 को मैन्युफैक्चर किया है। यही मार्किंग अगर इस तरफ होती तो ये जून 2023 को मैन्युफैक्चर किया गया। यानी इस ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट है इसके आधार पर अपन मालूम कर सकते हैं कि ये हेलमेट कब मैन्युफैक्चर किया गया। तो ये मैंने मेंशन किया कि ये सेम जो अभी मैंने आपको बताया गया उसके रिगार्डिंग
बताया मेंशन किया गया है कि साल तो होता है वो गोले के अंदर सेंटर में रहता है, और मंथ जो होता है वो सर्कल बार की तरफ मेंशन होता है। दूसरा जो पैटर्न अपन को पता करना है वो आजकल नहीं दिखता है लेकिन अधिकतर किसी हेलमेट में मेंशन होता है, अभी सा क्लॉक पैटर्न चल रहा है। दूसरा जो पैटर्न होता है वो होता है स्क्वायर पैटर्न, ये सेफ्टी हेलमेट होता है। इसी में ये साइड के अंदर यहाँ जो मार्किंग होती है वो होती है स्क्वायर के रूप में। स्क्वायर के रूप में कैसे, ये चार पोर्शन हो जाते हैं, आप इसको डिवाइड करोगे ये चार पोर्शन हो जाते हैं, और बीच वाला, बीच में जो मेंशन होता है वो होता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और जो चार जो साइड में जो पोर्शन होते हैं वो होते हैं क्वार्टर को डिनोट करते हैं, यानी फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर जो होता है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, सेकेंड क्वार्टर होता है अप्रैल, मई, जून, थर्ड क्वार्टर होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फोर्थ होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब अपन कैसे पता करें कि किस क्वार्टर को मैन्युफैक्चर हुआ है, तो उसके अंदर जब भी हेलमेट होगा उसके बीच में उसके अंदर डॉट लगे होंगे, यानी अगर यहाँ पे एक डॉट है तो वो मेंशन करेगा फर्स्ट क्वार्टर के अंदर है, अगर ये यहाँ पे दो डॉट है तो यानी वो सेकेंड क्वार्टर को मेंशन करेगा। अब इसी के आगे जैसे ये अगर इसमें डॉट है नीचे वाले थर्ड क्वार्टर में तो थर्ड क्वार्टर को, फोर्थ क्वार्टर में डॉट है तो फोर्थ क्वार्टर को डिनोट करेगा। अब इस वाले पैटर्न के ये है तो इसके अंदर ये मैन्युफैक्चर हुआ है, हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग जो डेट है वो सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 यानी अप्रैल, मई और जून क्वार्टर के अंदर, ये मंथ के अंदर ये मैन्युफैक्चर हुआ है। तो इस तरह से दो पैटर्न के द्वारा अपन मैन्युफैक्चरिंग डेट को पहचान सकते हैं। अब बात आती है कि हमको हेलमेट को कब रिप्लेस कर देना चाहिए, सेफ्टी हेलमेट। ये नहीं कि एक बार आपने हेलमेट ले लिया वो आपके 10 साल तक चलता रहेगा, 15 साल तक चलता रहेगा, ये अगेंस्ट दी सेफ्टी रूल्स है। उस सेफ्टी हेलमेट को अपन को कब रिप्लेस करना चाहिए, सेफ्टी हेलमेट्स को जो आप रिप्लेस करना चाहिए उसका जो मेन फंडा है वो ये है, 3 साल फ्रॉम फर्स्ट यूज, 3 years फ्रॉम फर्स्ट यूज, यानी जब आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो उसके 3 साल तक के बाद आप उसको रिप्लेस कर दो, या 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, या फिर जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है उसके 5 साल तक आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। जो भी इसमें से फर्स्ट रहेगा उसमें से आपको रिप्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था दिसंबर 2023 इसकी हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग डेट है, तो अगर हेलमेट आपने इशू कराया है जनवरी 24 के अंदर तो जनवरी 27 के अंदर इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर हेलमेट अभी तक यूज़ नहीं हुआ है तो इसकी 5 साल तक यानी जनवरी 29 तक तो इसको ये यहाँ पे ये है दिसंबर 23 में ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसको दिसंबर 28 तक अपन यूज कर सकते हैं, नहीं उसके बाद अपन को रिप्लेस करना जरूरी है। तो दोस्तों आज आपने देखा काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी थी कि सेफ्टी हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग और इसकी एक्सपायरी डेट की रिगार्डिंग। इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ आते हैं मटेरियल्स उसके मैंने बना रखे हैं, आप इसको वीडियो को देखें। एक्सपायरी डेट कैसे चेक कर सकते, ग्राइंडिंग व्हील, वायर रोप के रिगार्डिंग, वेब सीलिंग, पाइप फिटिंग्स, ये सब आपसे देख के देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।